दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू हो चुका है और आप इसे एक नॉर्मल बैंक की तरह ही यूज कर सकेंगे। इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, सेविंग अकाउंट मिलेगा और आप इसमें फिक्स डिपॉजिट भी कर सकेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीव पटेल टेक्निकल टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई पेटीएम पेमेंट बैंक तो हाल में सबके लिए शुरू नहीं हुआ, वो सिर्फ बीटा टेस्टर के लिए ही शुरू हुआ है। अगर आप बीटा पेटीएम का मैं बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्ले स्टोर में जाना होगा और पेटीएम लिखना होगा तो पेटीएम का पेज आ जाएगा, उसमें नीचे जाएंगे तो आप उसमें आई एम इन कर देंगे तो आप बीटा प्रोग्राम में आ जाएंगे। इस ऐप का अपडेट वर्जन है 6.00। बाद में आपको 20-25 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा वो नया अपडेट आने के लिए। नया अपडेट आ जाएगा, आप उसे अपडेट कर देना, बाद में ओपन करके आप उसे यूज कर सकेंगे। जब आप पेटीएम को ओपन करेंगे अपडेट किया हुआ तो आपको ऊपर दिखेगा नया आइकॉन बैंक अकाउंट, वहां पर आपको जाना है और आपको अपना नॉमिनी है तो इसे सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा और आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो पूछा जाएगा। अब बात यह होती है कि अगर आपने ई केवाईसी आपने किया हुआ है उसमें आपने, तो ही आपका ये पेमेंट बैंक चालू होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी रिटेल स्टोर में आपको जाकर ई केवाईसी कर देना होगा तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको बस अपना आधार नंबर और आपका नाम देना है। इसमें आपको रुपए कार्ड मिलेगा, लेकिन ये रुपए कार्ड है वो इंटरनेशनल बहुत सारी वेबसाइट में वो काम नहीं करता, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। हालांकि ठीक है इंडिया में ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसमें आप अपना सेविंग अकाउंट भी चला सकेंगे। वो करने वाली बात यह है कि इसमें आपका पेटीएम वॉलेट और सेविंग अकाउंट अलग अलग होगा, वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। आपको सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको एक अलग से प्रोसेस करनी होगी, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट की डिटेल में जाना होगा और आप वहां से मनी को ऐड कर सकेंगे। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो आपका सेविंग अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से या 1 लाख या उससे ज्यादा होता है तो आप अपना फिक्स डिपॉजिट भी रख सकेंगे। उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.85% का। तो फिलहाल तो ये बीटा वर्जन है तो ज्यादा अपडेट नहीं आएंगे, ज्यादा नए फीचर्स नहीं होंगे, धीरे धीरे करके इसमें नए नए फीचर्स आने लगेंगे और इसको हम आसानी से यूज कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक का यही था अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।